स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले वाली ये वीडियो आपने देखी, वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे हमने एपी को समझा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खोज खोज के राइट किया किस तरीके से आपको समझाया जाए, तो एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी के लिए लेक्चर अलग से आ जाएंगी, जैसे ये मैंने समझाया। एनसीईआरटी की जब वीडियो आएंगी तो वहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और बाकी ये सब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं है, बस आपके प्रॉब्लम है एनसीईआरटी टाइप के ना, एकदम डिक्टो एनसीईआरटी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लोगे आप एनसीईआरटी में अच्छे से कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। हमको कुछ सीरीज दी हुई हैं, कुछ सीक्वेंस दी हैं, हमको पता करना है ये जो फॉलोइंग जो सीक्वेंस हैं, जो फॉलोइंग अरेंजमेंट हैं, वो एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब टू के बाद फोर, तो सब में टू टू, मतलब एक कॉमन डिफरेंस इस तरीके से ऐड होना चाहिए। जरूरी नहीं कि टू ही ऐड हो, कुछ भी ऐड हो सकता है। तो एपी में, एपी के लिए कि हर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अदर वाले कॉमन डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। देखिए, टू था, टू में फोर ऐड किए सिक्स आया, सिक्स में फोर ऐड किए टेन आया, टेन में फोर ऐड किए फोर्टीन आया, और फोर्टीन में एट फोर ऐड किए तो एट्टीन आया। तो यहाँ पे फोर फोर को ऐड किया गया है, तो ये जो फोर ऐड किया गया है वो है कॉमन डिफरेंस, और ये जो आपको दिया है वो क्या होगा, एपी में। तो ये हमारा एपी में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले को थ्री फोर आ गया, यानी थ्री में वन ऐड किए तो फोर आ गया, फिर फोर में टू ऐड कर दिया, फिर सिक्स में थ्री ऐड कर दिया, फिर नाइन में कितना ऐड कर दिया, थ्री ऐड कर दिया। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है। देखिए, थ्री में वन ऐड किया तो फोर, तो फोर में वन ऐड करना चाहिए फाइव बनने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके का नहीं हुआ है। तो ये जो हमारा सीरीज है वो एपी में नहीं है। अब देखिए, वन में फाइव ऐड किए तो सिक्स आ गया, सिक्स में क्या ऐड करेंगे, इलेवन, सिक्स में भी फाइव ऐड हुआ तो इलेवन, और इलेवन में फाइव ऐड किए तो सिक्सटीन, सिक्सटीन में फाइव ऐड किए तो ट्वेंटी वन। तो ये भी हमारा एपी में हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ है, फाइव में फाइव ऐड करेंगे तो टेन, टेन में फाइव ऐड किए फिफ्टीन, 15 में 5 ऐड किए 20। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो एपी बना, लेकिन 20 के बाद डायरेक्ट 30 आ गया। अभी 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे पैटर्न गलत हो गया, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। समझ में आया? अगर एपी में पता करना होता तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना होता। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं। अगर इन दोनों की बात करेंगे, ये सक्सीडिंग ये प्रीसीडिंग, इन दोनों की बात करेंगे ये सक्सीडिंग ये प्रीसीडिंग, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 15 में से 10 माइनस करेंगे तब पर भी 5 आना चाहिए, 20 में से 15 माइनस करेंगे तब पर भी 5 आना चाहिए, और यहाँ पे 30 में से 20 को माइनस करें अगर 5 आए तो एपी में है, लेकिन 5 आएगा नहीं तो एपी में नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड एपी, एपी फाइंड करिए, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवेन। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, गिवेन है, तो बताइए एपी क्या होगा। तो पहला टर्म एट है तो एट लिखिए, अब फिर एट में फोर ऐड करिए तो एट फोर ट्वेल्व, अब ट्वेल्व में फोर ऐड करिए तो सिक्सटीन, सिक्सटीन में फोर ऐड करिए तो ट्वेंटी, ट्वेंटी में फोर ऐड करिए तो ट्वेंटी फोर, एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। समझ में आया? अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखें, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म एट था और सेकंड टर्म की वो कॉमन डिफरेंस कितना है, फोर है, तो एट था पहले, एट में फोर ऐड कर दिए ट्वेल्व, ट्वेल्व में फोर ऐड कर दिए सिक्सटीन, इस तरीके से ये हमारा एपी बन गया। अब इसको करते हैं, पहले कितना है माइनस नाइन्टी, माइनस नाइन्टी, अब माइनस नाइन्टी में ट्वेंटी ऐड करेंगे, माइनस नाइन्टी प्लस ट्वेंटी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में सेवेंटी, तो यहाँ पे माइनस में सेवेंटी, फिर ऐड करेंगे तो माइनस में फिफ्टी, फिर माइनस में थर्टी, फिर माइनस में टेन, और इस तरीके से आगे आता जाएगा, प्लस में आता जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको देखते हैं, ट्वेंटी है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस नाइन,
तो 20 लिखे पहले, फिर 20 में 9 ऐड किए तो 29। अब 29 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, और 38 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा 47, एंड सो ऑन। समझ में आया? देखिए 8 था, 8 में 4 ऐड किए 12, फिर 12 में 4 ऐड किए 16, 16 में 4 ऐड किए 20, इस तरीके से लिखना है। अब पहले b है तो पहला टर्म b है, b में फिर c ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस 2c, 2c ऐड करना है, फिर इसमें 2c ऐड करेंगे तो b प्लस 4c, फिर b प्लस 6c, एंड सो ऑन। तो ये हमारा ap हो गया। समझ में आया? बहुत ईजी था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये फॉलोइंग एपी का हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जो पहले का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 11 में से 8 को माइनस करेंगे, 11 माइनस 8 तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, या फिर इसको ये भी कर सकते हैं 17 में से 14 को माइनस करें तब पर भी 3, 20 में से 17 को माइनस करें तब पर भी 3 ही आएगा। तो आप लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 11 माइनस 8 करेंगे ये, फिर इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 11 और फिर 17 माइनस 14 फिर इक्वल टू 20 माइनस 17 और ये इक्वल टू कितना आएगा 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 राइट करिए। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग है 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा माइनस 5, इसको करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 0.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1. माइनस में 1.5, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, nth टर्म ऑफ ए पी इज इतना, nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी एन से लिखें या फिर ए एन से। तो चलिए ए एन इक्वल टू कितना दिया है, ए एन इक्वल टू 2n² + 1। तो दिया है फाइंड द सीरीज, तो हमारा बताइए ए पी क्या बनेगा। तो ए पी में फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में n इक्वल टू कितना होता है 1, तो जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए 1 इक्वल टू n की जगह पे 1 का स्क्वायर 2 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3। और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ए 2, 2 है और n की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × 4 = 8, 1 = 9। अब n इक्वल टू 3 रखते हैं तो ए 3, तो यहाँ पे 2 और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 × 9 = 18 और प्लस 1 19, 1 सेकेंड, हाँ 3 × 9 = 18, 1 = 19, ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बनता है वो ए पी में बनता है कि नहीं बनता है। तो 1 रखे तो 3 आ गया, और nth टर्म ऑफ ए पी ये दिया है तो बनेगा ही, 2 × 4 = 8, 8 × 1 = 9 हो गया, और इतना हो गया। तो यानी कि 3 में 7 ऐड किए, वो 6 ऐड किए तो 9, और 9 में 6 ऐड करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है, तो कहीं तो मिस्टेक हम लोग किए हैं। 1 सेकेंड, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो यही आ जाएगा, तो इस तरीके से ही आएगा। तो पहला टर्म कितना होगा 3, 9, 19 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो सीरीज बनेगा वो एपी में नहीं होगा, दिया है ना nth टर्म ऑफ एपी जितना, तो यहाँ पे ये गलत तरीके से दिया हुआ है, ये एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 3 + 6 = 9 होता है, तो 9 + 6 करेंगे तो 15 आना चाहिए, तो 19 की जगह पे 15 आना चाहिए, तो ये एपी में नहीं है, क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला है, तो मैंने जगह नहीं था तो नहीं लिखा, लेकिन ये एपी में नहीं होगा। चलिए आप लोग नोट करेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ़ 2/3, 5/8 आर इन एपी फाइंड वैल्यू ऑफ के। अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो के की वैल्यू बताइए।
तो बताइए कि कैसे हम लोग करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का क्या होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालते हैं तो के में से माइनस करेंगे 2/3 को, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 5k/8 में से 8 को माइनस, वो 5k/8 माइनस k करेंगे तो दोनों क्या आएगा इक्वल। इसमें से इसको माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस, और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो दोनों को इक्वल कर दिए। अब चलिए करते क्या है, के को इधर लेके चलते हैं ना, या फिर सॉल्व कर लेते हैं, किसी को भी किसी तरीके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए के हो गया, और इस के को इधर लाएंगे तो प्लस के, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 5k/8 और इक्वल टू ये इधर आएगा तो 2/3 हो गया, के प्लस के 2k माइनस 5k/8 और ये 1/1 इक्वल टू 2/3। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 × 8 = 16k माइनस 5k इक्वल टू 2/3 हो गया, 16 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11k/8 इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11k 18 × 16/3 और 11 से डिवाइड करेंगे तो 16/3 11 = 33, तो के की वैल्यू 16/ कितना आ जाएगा 33, तो के इक्वल टू 16/33 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब पूछेगा तीन टर्म दिए रहेंगे, बोलेगा एपी में है तो कॉमन डिफरेंस को ही समझ के हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड ए बी सच दैट 18a b -3 are in AP। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे तीन टर्म थे तो दो कॉमन डिफरेंस, दो तरीके से निकाले, दोनों को इक्वेट कर दिए। यहाँ पे 4 टर्म है तो 3 कॉमन डिफरेंस निकलेगा और तीनों को इक्वेट करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तीनों क्या रहेंगे इक्वल। तो क्या होगा, ए में से 18 को माइनस करिए और इक्वल बी में से ए को माइनस, इक्वल -3 में से -b को माइनस, ये तीनों आपस में क्या आएंगे इक्वल। तो किसी भी दो को इक्वल कर लिए, या तो इन दोनों को इक्वेट करिए, इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करिए। चलिए इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा a -18 इक्वल टू बी माइनस ए, ए को इधर लाएंगे तो a प्लस ए और माइनस बी और इधर आ जाएगा 18, तो 2a - b = 18, ये पहला इक्वेशन। समझ में आया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो b माइनस ए इक्वल टू -3 - b, बी को इधर लाएंगे तो b प्लस बी माइनस ए इक्वल टू -3, तो ये 2b और -a = -3। समझ में आया, ये बन गया। अगर अरेंज कर ले इक्वेशन को, अगर ए को उधर लेके जाए तो a -2b = 3 आ जाएगा, 3 को -3 को इधर और बाकी सबको उस साइड, तो ये बन गया और ये इक्वेशन हो गया 2 हो गया। अब अगर दोनों इक्वेशन में इलामिनेशन मेथड लगाना है तो कोफिशियंट करना होगा सेम, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है a है, और यहाँ पे -b है, यहाँ पे -2, तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4a - 2b = 36, और ये है क्या a - 2b = 3, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये 3a = 33, तो a = कितना आ जाएगा 11, a = कितना आएगा 11। अब a = 11 आ गया तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 11 - 2b = 3, तो -2b = 3 और ये उधर जाएगा तो -11, 3 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 8 आएगा, माइनस में 8 -2b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b = कितना आ जाएगा 4, b = कितना आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, आप लोग तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया है, फाइंड 20th 25th
एंड nth टर्म ऑफ ए एपी, हमको एक एपी दिया गया है, उस एपी में 20 टर्म बताना है क्या होगा, 25th टर्म क्या होगा और nth टर्म क्या होगा वो बताना है। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो पहले एपी में देखिए कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, उसको ए कंसीडर कीजिए, क्योंकि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, tn लिखते हैं या फिर an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और एन क्या होता है नंबर ऑफ ए टर्म होता है, कि कितने टर्म है हमको कितना निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग एन की जगह पे रखेंगे। अब देखिए ये जो ए पी है 2, 5, 8, 11, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 2 है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया। और हमको फाइंड क्या करना है 20th टर्म, यानी हमको फाइंड करना है ए 20, हमको ये फाइंड करना है, फिर ए 25 फाइंड करना है, ए 25, देखिए हमको 20th टर्म निकालना है तो यहाँ पे टी 20 लिखना होगा ना, nth टर्म के लिए ए एन होता है, ए nth टर्म के लिए ए एन होता है, तो 20th टर्म के लिए टी 20 ए 20 होगा, तो और ये भी निकालना है, और साथ में क्या निकालना है nth टर्म, यानी कि हमको ये भी निकालना है कि ए एन इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया। अब चलिए पहले ए 20 निकालते हैं, मैंने बताया कि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने क्या बताया कि अगर कोई आपसे पूछे सिक्स टर्म बताओ, सिक्स टर्म क्या होगा तो ए प्लस 5d, 10 टर्म ए प्लस 9d ना, तो यहाँ पे इस तरीके से बताना है। और देखा जाए जब ए 20 की बात करेगी तो क्या हो जाएगा ए प्लस 19d, या फिर इसी फॉर्मूले में एन इक्वल टू क्या पुट कर दो 20, एन इक्वल टू क्या पुट करोगे आप लोग 20, देखिए ए 20 है तो ए एन की जगह पे जब एन की जगह 20 होगा तो यहाँ पर 20 और 20 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 19, तो ए 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी, और ए कितना आया है 2 आया है, तो 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, और डी कितना है 3 है, तो ये 2 प्लस 19 3 जा 19 1 जा 19 92 जा 38 93 जा 57, तो यहाँ पे आ जाएगा 57 और दोनों को ऐड करेंगे तो 59, यानी जो हम लोग का ए 20 टर्म होगा वो कितना होगा 59 होगा, समझ में आया। अब निकालते हैं ए 25, तो ए 25 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए कितना था 2 था, तो 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 और डी कितना था 3 था, अभी 24 3 जा करेंगे 72 होता है, और 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, तो ए 25 कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है ए एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहने दीजिए ऐसे ना, nth टर्म निकालना है तो n को n रहने दीजिए, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 3, तो 2 प्लस एन माइनस 1 और d की जगह पे कितना पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, और 3 माइनस 3 है और प्लस 2 है, सॉल्व करेंगे तो ये 3n और ये आ जाएगा माइनस 1, तो ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3n माइनस 1 आ जाएगा, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, दिया है द सिक्स्थ टर्म ऑफ ए एपी इज माइनस 10, यानी एपी का जो छठवां टर्म है वो कितना है माइनस 10 है, एंड टेंथ टर्म ऑफ ए एपी इज माइनस 26, और एपी का जो टेंथवां टर्म है वो कितना है माइनस 26 है, तो बताइए 15 टर्म क्या होगा। अब देखिए आपको दिया है कि
A6 यानी AP का छठवां टर्म कितना है, -10 दिया है, और AP का टेंथवां टर्म कितना है, -26। तो आपसे पूछा है कि AP का 15वां टर्म बताइए, आप लोग 15th टर्म आप लोग बताइए। तो 15th, अगर 15th टर्म किसी भी AP को कोई सा भी हम लोग टर्म निकालते हैं तो हमको A और D चाहिए होता है, और यहाँ पे 15वां टर्म बोला है यानी n इक्वल टू 15 पुट करना होगा। 15वां टर्म तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की जगह पे 15 रखेंगे तो 15 माइनस 1 करेंगे 14d आ जाएगा। अब देखिए a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a6 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये a प्लस 5d, और a6 इक्वल टू कितना दिया है, -10। ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, समझ में आया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, एंड a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यही है a10, अगर n की जगह पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 10, और 10 में 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर n की जगह पे 10 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, n की जगह पे 10 लिखेंगे तो a10 हुआ कि नहीं हुआ, तो वही बात हो जाएगी ना, फॉर्मूले से ही हो रहा है। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो a प्लस 9d, और a10 की वैल्यू कितनी है, -26। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हम लोग a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला है a प्लस 5d इक्वल टू -10, और दूसरा है a प्लस 9d इक्वल टू -26। इलामिनेट करेंगे, a को इलामिनेट करते हैं, दोनों प्लस में है तो माइनस माइनस, ये प्लस ये कट जाएगा, ये आएगा -4d, और इक्वल टू ये आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, समझ में आया। तो d इक्वल टू कितना आएगा, 16 अपॉन में -4 करेंगे तो ये आ जाएगा -4, d इक्वल टू -4 आ गया। अब इसी d की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए d इक्वल टू -4 इसमें रखते हैं तो क्या होगा, -10 इक्वल टू a प्लस 5 इंटू -4, तो -10 इक्वल टू a और -20 हो जाएगा, समझ में आया, 5 4 20, तो -20 इधर आएगा, तो a इक्वल टू -10 प्लस 20, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब a की वैल्यू 10 आ गई और d की वैल्यू -4, तो आप लोग कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, 15वां टर्म, 20वां टर्म, कुछ भी निकाल सकते हो। तो हम लोग को निकालना क्या है, a 15 टर्म निकालना, तो a 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह पे कितना आया है, 10 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 इंटू -4, तो 10 और 14 फोर जा कितना हो जाएगा, 56, माइनस में 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस में 46 आपका आंसर, a 15 इक्वल टू -14, -46 आ जाएगा, कितना आएगा, -46 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इस टाइप वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने NCERT एक्सरसाइज को देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, दिया हाउ मेनी टर्म आर दियर इन AP, हमारे पास एक AP है, बताना है उस AP में कितने टर्म हैं। हमारे पास क्या है, एक AP, बताना है कि उस AP में कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म आर दियर इन AP। तो AP 630 -3, फिर .. लास्ट में कितना है, -36। तो जो लास्ट में रहता है वही हमारा लास्ट टर्म बोलते हैं या फिर nth टर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब an इक्वल टू हमको -36 दिया है, और इधर देखिए तो a कितना दिया है, a इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, और d कितना आ जाएगा, 3 में से 6 को माइनस करेंगे
तो 3 माइनस 6 करेंगे तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। अब चलिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, समझ में आया, ये ए एन का फॉर्मूला। और ए एन इक्वल टू कितना दिया है, -36। इक्वल टू ए कितना आया है, 6 प्लस एन नहीं पता, हमको एन ही पता करना है, और डी कितना है, -3 है, ये हो गया। इस 6 को इधर लाएंगे तो -6 होगा, तो -36 -6 इक्वल टू एन -1 और -3 हो जाएगा। -3 से डिवाइड करेंगे तो एन -1 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो -42 अपॉन में -3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 वन जा 3 वन जा 3 फोर जा 12, तो n माइनस 1 इक्वल टू 14 आ गया, और -1 उधर देगा तो 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 15। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ए टू डिजिट डिविजिबल बाई 5, कितने टू डिजिट नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है ना, पहला नंबर 10 से स्टार्ट होता है, और टू डिजिट नंबर जो है वो एंड कहाँ पे होता है, 99 पे। अब देखिए 10 जो है 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 10 तो डिवाइड होगा, अब 10 के बाद कौन डिवाइड होगा, 15, तो 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ये हो गया। बीच में सारे को नहीं लिखते हैं, अब देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट टू डिजिट नंबर कौन डिवाइड होगा, 99 डिवाइड नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 95, तो लास्ट वाला जो डिवाइड होगा उसी को लिखेंगे, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 95। तो इस तरीके से बन गया एपी। अब जैसे ये क्वेश्चन था ना, सेम वही हो गया, अब कि लास्ट टर्म कितना है, 95, लास्ट टर्म 95 यानी कि nth टर्म 95, तो ए एन इक्वल टू 95 और ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, पहला टर्म 10 था, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15 में से 10 जाएगा, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, डी कितना आ गया, 5, ए 10 और ए एन कितना दिया है, 95। अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का ही लगाएंगे, ए एन हमको पता है, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ में आया। अब ए एन की जगह पे 95, ए कितना है 10 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 5, समझ में आया, बहुत सिंपल था। 10 को इधर लाएंगे तो -10, 95 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 85 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 5, 5 वन जा और 5 7 जा 35, तो एन माइनस वन इक्वल टू 17 आ गया, फिर एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 प्लस 1 18 आ जाएगा, एन इक्वल टू कितना आ गया, 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको नोट करेंगे, हम लोग करते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, दिया है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, जैसे वहां पे हम लोग टू डिजिट का किए वैसे 3 का। अब बताइए कि थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 100 से, और एंड कहां पे होता है, 999 पे, कहां पे एंड होता है, 999। अब हमको ये चेक करना है कि पहला थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, पहला थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए तो 100 तो होने से रहा, 100 तो आपका कतई नहीं होगा ना, 100 आपका नहीं होगा। अब 101 को चेक करते हैं, तो 101 को जब चेक करेंगे, देखिए 7 वन जा 7, यहाँ पे 3 वन, ये भी नहीं होगा। अब 102 को चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 वन जा 7 और 3 2, ये भी नहीं होगा। 3 को चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 को चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन 5 जब रखेंगे तब हो जाएगा।
यानी थ्री डिजिट नंबर में पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होता है 105। कौन होगा? 105। 100 को चेक करेंगे, नहीं होगा 7 से डिवाइड। 101 को चेक करिए, 102 को चेक करिए, 3 को चेक करिए, 4 को चेक करिए, ये सब नहीं होंगे। लेकिन जब आप लोग 105 को चेक करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का पहला नंबर क्या हो जाएगा? 105। क्या हो जाएगा पहला नंबर? 105। अब 105 में अब दूसरा क्या होगा? 105 में 7 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 112। अब 112 में 7 को ऐड करेंगे तो 109। अब देखते हैं कि लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा। तो लास्ट में क्या है? 999। अब देखते हैं क्या 999 7 से डिवाइड होता है। तो चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग। 7 1 7 2 9, 7 4 28 19, और 7 2 14 करते हैं तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो फिर ये तो रहा डिवाइड होने से, ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब बताइए 9998 को चेक करते हैं ना। अब देखिए रिमाइंडर कितना रहा था? 5। अगर एक कम कर देंगे फिर भी डिवाइड नहीं होना है, एक कम कर देंगे फिर भी डिवाइड नहीं होना है। आप लोग ट्राई करिए। 7 1 7 2 9, 7 4 28 18, और ये भी डिवाइड नहीं होगा। तब अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 8 से 8 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और 7 ट्राई करेंगे ना, 997 वो भी डिवाइड नहीं होगा, 996 करेंगे वो भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं 995 को, 995 को। 7 1 7, ये 1 आ गई, कितना आ गया? 2, और 9 7 4 28, ये 15 आ गया, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब कौन डिवाइड होगा? देखिए 7 2 करेंगे तो 14, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। अगर इसी रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो लास्ट वाला हमारा थ्री डिजिट नंबर है वो कौन होगा? 994 होगा। ऐसे ना समझ में आए तो आप लोग हर नंबर को ट्राई करिए, 999 को, 998 को, 997 को, 996 को, 995 को, 994 को, आप लोग ट्राई करेंगे। इतने में से जो लास्ट से चलते आएंगे, ऊपर तरफ चलते आएंगे, जो डिवाइड हो जाए पहले वही हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा लास्ट नंबर। फिर क्वेश्चन उसी तरीके से, लास्ट वाला हमारा क्या है? लास्ट टर्म यानी कि an, और वो है 994। a कितना है? 105। और d कितना आएगा? जब 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, an is equal to a plus n minus 1 into d। हमको यहाँ पे n निकालना है, तो n तो नहीं पता, लेकिन an कितना है? 994 is equal to a कितना है? 105 plus n minus 1, और यहाँ पे 7 हो गया। 105 को इधर लाएंगे तो 994 minus 105 हो गया, और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 994 में से 105 को माइनस करते हैं तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे 8, और ये हो जाएगा 8, और इसको इधर लिखते हैं n माइनस 1 इंटू 7, और 7 को डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 7 1 7, और 18 हो गया, 7 2 14, और 7 7 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128। इस तरीके से आ जाएगा n इज इक्वल टू 128। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको बताया गया ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में करना है। आप लोग 0.1 0.2 ट्राई करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। और क्या होगा कि ये तो था, ये कोई एक्सरसाइज नहीं था, मैंने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको बताया। लेकिन इसके बाद वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1, फिर 5.2 करेंगे, और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सम का, तो उसको थर्ड वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे? सम वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी दो वीडियो में क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में 5.1 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।